सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हमें एरिया फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हमारा कर्व ये दिया हुआ है और एक लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है। सो विल सी, ये एक्चुअली में ये कर्व किसका इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है 9x² + y² = 36, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगर हम इसको 36 से डिवाइड कर दें सब में, तो हमारा हो जाएगा x² / 4 + y² / 36 = 1, मीन्स ये हो गया x² / 2² + y² / 6² = 1। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एलिप्स। सो बट एक्स और एलिप्स हमारा ऐसा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये 2 units कवर कर रहा है और वाई एक्सिस पे 6 units। सो हमारा जो एलिप्स का नेचर होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये 6 units है, 0, 6, और ये हमारा 2, 0, ये एक्स है और ये वाई है हमारा, ठीक है। तो मैं पता चल गया हमारा ये ऐसा है x² / 2² + y² / 6² = 1, और हमें ये लाइन दिया है ऐसा। और ये लाइन का कौन सा फॉर्म है, इफ़ वी रिमाइंड कि अगर x / a + y / b = 1, ये एक्चुअली लाइन का ये फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, कि a जो है x का इंटरसेप्ट है, मतलब x एक्सिस को ये लाइन a पे काटती है और y एक्सिस को लाइन b पे काटती है। सो ये वैसे लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। सो हमारे यहाँ x को 2 पे काटती है ये लाइन और y को 6 पे, मतलब हमारा लाइन ऐसा है, ठीक है। सो मतलब हमें जो एरिया निकालनी है, एक्चुअली कौन सी एरिया निकालनी है, ये एरिया। सो हाउ डू वी फाइंड दिस एरिया, सो हम इसको एरिया निकालने के लिए, हम इस पूरे की एरिया निकाल सकते हैं, इस क्वाड्रेंट की, एलिप्स के इस क्वाड्रेंट की, और ये स्ट्रेट लाइन है। मान लेते हैं इस क्वाड्रेंट की एरिया A1 है, क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स की एरिया, तो पूरी एरिया हो गई ये पूरी, और इसमें से अगर हम इसकी एरिया माइनस कर दें ये, तो हमें वो एरिया निकल जाएगी, और ये हमारा A2 है, माइनस A2 कर सकते हैं, ठीक है। अब A2 हमारा क्या है, ये A2 एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक लाइन पे बना हुआ है। तो A2 क्या हो जाएगी, हम A2 निकालते पहले, ½ × base × height, बेस क्या होगी, ये एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट हमारा 2 है, सो ½ × 2, और हाइट कितनी है 6 × 6, सो ये हो गई 6 units, मतलब A2 हमारा हो गया 6 units। अब A1 निकालना है, ठीक है। सो हम अभी हमने निकाला था कि अगर कोई एलिप्स है, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट ए है, ये बी है, तो उसकी एरिया क्या होती है, π a b होती है एरिया, हमने अभी देखा था, ठीक है। सो एक क्वाड्रेंट की एरिया क्या होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट, चारों क्वाड्रेंट की एरिया, चारों क्वाड्रेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी एरिया, तो एक क्वाड्रेंट की एरिया π a b / 4 होगी, मतलब इस केस में ये एक क्वाड्रेंट की एरिया हमारी A1 है। सो A1 क्या होगा, π × a हमारा 2 है, b क्या है 6/4, ये क्या हो गया 3π, ठीक है। सो A1 हमारा 3π हो गया,
सो हमें जो एरिया निकालनी है वो ए वन माइनस ए टू निकालनी है। सो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 6 यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया। सो दीज वर द 3 मेथड्स, मतलब 3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के, वो हमको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। और वो 3 तरह क्या थे, सबसे पहले कि एक फंक्शन के अंदर कैसे एरिया निकालते हैं, मतलब एरिया अंडर सम सिंपल कर्व, ठीक है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा सेकेंड टाइप कि अगर कोई फंक्शन दिया है, कोई कर्व दिया है और वो किसी लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में एरिया कैसे निकालते हैं। और तीसरा केस कि अगर 2 कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों तो दोनों के बीच की जो एरिया बाउंड है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब तीनों पे बेस्ड हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर दें। सो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हमारा एक फंक्शन दिया है, ठीक है। ये फंक्शन, ये किसकी इक्वेशन है, ये हम जानते हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और हमें निकालना है कि इस पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच की जो एरिया बाउंडेड है, लेट दैट इज ए, वो क्या होगी, मीन्स ए इज इक्वल टू व्हाट। सो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा ए है और जो ए पे कॉर्ड होता है वही लेटस रेक्टम होता है, ठीक है। सो हमें एक बेसिकली ये एरिया निकालनी है, पूरी एरिया। सो अगर ये ए वन है, इसके ऊपर की एरिया मान लेते हैं ए वन है और इसके नीचे की एरिया ए टू। सो ए इज इक्वल टू ए वन इज प्लस ए टू, बट हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होती है, मतलब ए वन और ए टू सेम होगी, मतलब 2 टाइम्स A1 निकाल सकते हैं या फिर 2 टाइम्स A2, ठीक है। सो हम ए वन निकालते हैं, 2 टाइम्स A1 हम ए वन निकालते हैं, तो ए वन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to A f(x) dx, एंड f(x) क्या है, y dx, और हमारा फंक्शन क्या है, y² = 4ax, मीन्स y = √4ax, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 0 to A 2√A√x, इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो a1 हमारा हो जाएगा, ज़ीरो टू ए टू अंडर रूट ए, ये कांस्टेंट होगा, √xdx, तो ये हो गया हमारा 2√A इंटीग्रल 0 to A √xdx। सो ये हो जाएगा हमारा 2√A और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है x^3/2/3/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से A तक। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 2√A (a^3/2). सो √A और a^3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, √A means a^1/2। सो a1 हमारा बेसिकली हो जाएगा 2 into a^1/2 into a^3/2। सो ये हो जाएगा 2 into a^1/2 + 3/2। और हमने एक चीज छोड़ दिया था कि ये एक्चुअली हमारा 3 है नीचे, 3 मतलब हमने जो निकाला था वो था 2√A x^3/2/3/2,
सो ये 3/2 हमने छोड़ दिया था, सो हमारा ये है, सो ये हो गया 4/3 ए पावर 2, सो ए वन इज 4/3 ए स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या होगी हमारी, टोटल एरिया हो जाएगी हमारी 2a1 दैट इज इक्वल टू 2 × 4/3 ए स्क्वायर, सो 8/3 ए स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो ये हमारी पहली प्रॉब्लम। अब हम एक और प्रॉब्लम करें, सो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, और उसकी एरिया निकालनी है 0 to 2π तक, कॉस एक्स y इज इक्वल टू कॉस एक्स एरिया कवर्ड बाय इन इंटरवल 0 to 2π, ठीक है। सो कॉस एक्स कैसा होता है, ऐसा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π। हम देखेंगे कि ये और ये सिमेट्रिकल है, मतलब सारे जो ये छोटे छोटे एरियाज हैं ये सब इक्वल है, ठीक है। सो अगर इस पूरे की एरिया हमें निकालनी है तो 4 times ये एरिया कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऐसे यूनिट्स हैं। 4 times लेट दिस एरिया इज ए, 4 times ए करा तो हमारा हो जाएगा, दिस इज a1, मतलब हमको करना क्या है, 4 times इंटीग्रल 0 to π/2 तक की एरिया निकालनी है, और ये हमारा फंक्शन क्या है, cos x dx, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 4 times cos x की इंटीग्रल होगी हमारी क्या, sin x 0 to π/2, सो ये हो जाएगा 4 × 1 − 0 दैट इज इक्वल टू 4 units। ओके, सो इसकी वैल्यू हमारी हो गई 4 units, मीन्स एरिया इज 4 units। सो इस एक वाले पार्ट की एरिया क्या है, 1 units। सो दिस कम्स इन हैंडी अगर हमको कोई बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम सीधा ये देखेंगे कि ऐसे कितने क्वाड्रेंट्स हैं छोटे छोटे, और सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी एरिया एक है, तो ऐसे 1, 2, 3, 4 है, तो 4 units एरिया हो गई। साइन का भी वही होता है, साइन एक्स है, अगर मान लेते हैं हमें 0 से π, 2π, 3π तक की एरिया निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 देखेंगे इसमें कितने ऐसे क्वाड्रेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है तो सीधा 6, क्योंकि इसकी एरिया 1 होती है एक वाले पार्ट की। सो वी कैन रिमेंबर फॉर व्हेन वी आर, जब अगर हम MCQ वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लिमिटेड को एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम लोग इसको याद करके रख सकते हैं कि इसकी एरिया 1 होती है।